संजीवनी ये शो साल 2002 से लेकर साल 2005 तक टेलीविजन का सबसे पॉपुलर शो था। उस टाइम मेडिकल ड्रामा टीवी पर देखना अपने आप में मजेदार था। ऊपर से राहुल, अमन और डॉक्टर जूही के किरदार के इर्द गिर्द घूमने वाली इस कहानी को भी लोग पसंद करते थे। खैर, लेकिन इस शो के बाद जितने भी मेडिकल ड्रामा शोज आए हैं उन्हें ऑडियंस की तरफ से अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन खबरें हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार फिर से संजीवनी का रिमेक लेकर आ रहे हैं। इसकी खास बात होगी कि डॉक्टर जूही मतलब गुरदीप कोहली और मोहनीश बैल भी इस शो का हिस्सा होंगे। तो आइए जल्दी से आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि इस शो में आपको कौन कौन से एक्टर्स नजर आ सकते हैं। सुरभि चन्ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा की संजीवनी में लीड रोल कोई और नहीं बल्कि इश्कबाज की अनिका यानी सुरभि चंद्रा निभा सकती हैं। सुरभि टीवी का बड़ा नाम है और इश्कबाज के बाद सभी इनकी टीवी पर वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इस मेडिकल ड्रामा शो में सुरभि डॉक्टर के सफेद कोट में नजर आएंगी तो लोगों को मजा तो आएगा ही। नकुल मेहता, बीच में खबरें आई थी कि इस नए सीरियल में सुरभि चंद्रा के साथ उनके इश्कबाज के साथ ही नकुल मेहता लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं टीवी सीरियल ये प्यार नहीं तो क्या है कि एक्टर नमन का नाम भी सामने आ रहा है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि नमन और नकुल में से कौन होगा सुरभि के ऑपोजिट उनका लव इंटरेस्ट। गुरदीप कोहली, संजीवनी की लीड हीरोइन जूही मतलब गुरदीप, ये गुरदीप का पहला शो था। इस सीरियल के बाद उन्हें आज भी लोग डॉक्टर जूही के नाम से ही जानते हैं। इस शो के दौरान जूही, राहुल और अमन का लव ट्राइंगल बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन शो में राहुल से प्यार करने वाली जूही ने असल में अमन यानी अर्जुन पुंज से शादी की। अब जूही को वापस उसी शो में देखना मजेदार होगा। मोहनीश बहल एक बार फिर डॉक्टर शशांक के किरदार में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि संजीवनी में डॉक्टर शशांक ने अहम किरदार निभाया था और अब एक बार फिर से मोहनीश अपने इस किरदार में नजर आ सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या इस बार भी डॉक्टर शशांक के रूप में ही उनकी वापसी होगी। तो ये हैं टेलीविजन के वो चार बड़े नाम जो इस बार संजीवनी के रिमेक में आपको नजर आ सकते हैं।